तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एरे फॉर्मूला। जी हाँ, एरे फॉर्मूला आज का हमारा टॉपिक है। आज हम एरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज जान लीजिए कि एरे कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग परमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, हो गया है, हो गया है। किनको चाहिए रिकॉर्डिंग की परमिशन? सर मुझे, नवीन सिन्हा। एक मिनट, नवीन सिन्हा जी बाद में आए थे ना, इसलिए। ओके, थैंक यू सर। तो अब एरे का क्या मतलब है जी? एरे में दो चीजें होती है, पहली होती है डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है कैलकुलेशन। तो चलिए पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लिखते हैं, तो ऐसे 1 by 1 लिख दिया या सिलेक्ट करके इक्वल कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर मारिए, देखिए अपने आप आ गया लिखा हुआ। अब बोलो इसका बेनिफिट क्या है? चलिए इसका बेनिफिट हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूं सुजीत, अब मुझे इसको हर अलग अलग लेटर में, एक हर सेल में एक एक लेटर अलग करना है। जैसे कि एस यू जे, इस तरह से। तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा मिड का। मिड हम इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा, और स्टार्ट नंबर हमारा हो जाएगा 1, नंबर ऑफ कैरेक्टर भी हो जाएगा 1। ऐसा आ गया। फिर वापस हम यहां पे करेंगे मिड, इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा, स्टार्ट नंबर 2, नंबर ऑफ कैरेक्टर 1। अगेन मिड, इसको सेलेक्ट किया, स्टार्ट नंबर 3, 1। तो फॉर्मूला सेम है, हम चेंज क्या कर रहे हैं? हम चेंज कर रहे हैं जस्ट उसका एक नंबर, मतलब लेकिन इसके लिए तो हमें एक एक करके लगाना पड़ा। तो इसमें देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग करना है। तो अभी जो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम समझाया कि मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में ही अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 करके कर्ली ब्रैकेट को एंटर मार दिया या 6 कर दिया, एंटर मार दिया, तो अब इक्वल लगाना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, सीक्वेंस नंबर अपने आप आ जाता है। अब इसी चीज को मैं यहां फॉर्मूले में अजमा रहा हूं। मैं कहूंगा कि मिड, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, कॉमा हो गया। तो अभी तो क्या है, हमारे पास एक्सेल 19 है या 365 है, इसलिए। वरना अगर आपके पास एक्सेल का लोअर वर्जन है तो उसमें आप जो है कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिएगा। अब बोलेंगे सर ये अलग अलग सेल करने का क्या फायदा है, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना? क्या सर? तो आप लोगों को याद है मैंने आपके साथ एक पेन कार्ड का बात की थी, पेन कार्ड। अनुपम ज्योति जी आप ही की फाइल है।
सर मैंने बनाया था पूरा गया। अब मान लीजिए ये फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के आपको फिल करना है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसको आपको बोला कि मुझे इसमें फिल करके प्रिंट आउट लगना है, तो मान लीजिए कि अगर मेरा फर्स्ट नेम ही लिखना है तो आपको एस यू जे ई टी मतलब कि नॉर्मल टाइप करने में, जैसे मैं यहाँ पे सुचित टाइप कर रहा हूं और इसको टाइप करने में 3 गुने 1.25 से ज्यादा लगा है, ऊपर से कैप्स स्मॉल का चक्कर है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो भी इंफॉर्मेशन लगे, ऐसे मान लीजिए आपको 5-10 और अलग से होते ना ज्वाइनिंग में कि आपको लेबर रिग्रेशन फंड भरना है, आपको ESI का भरना है, PF का भरना है, कंपनी की भरना है, एलिमेंट फॉर्म भरना है, बहुत सी फॉर्म भरना है, तो मैं एक अलग सीट के ऊपर डिटेल्स दे दिया कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम बाद फादर नेम जो भी है यहां पर फिल कर दिया। वैसे मैंने फर्स्ट नेम में सुजीत दे दिया, लास्ट नेम में सिंह दे दिया, मिडल नेम में कुमार दे दिया, फादर नेम में फादर नेम के भी लास्ट फर्स्ट नेम अलग अलग है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पूरे सीट को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ लगाऊंगा मिड का फॉर्मूला, मिड सॉरी माइंड हो गया, मिड का फॉर्मूला, और मैं यहाँ आऊंगा अपने इसको सेलेक्ट किया। अब इसमें मैं अब सर हर किसी का फर्स्ट नेम तो अलग अलग होता है ना, लेंथ 5, किसी का 10, किसी का 15, किसी 20, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कॉलम का, वो लगा दीजिए 1x1 कर दीजिए, 1x1 नहीं फैक्टर वन, हमने फॉर्म तो इसमें बनाया है, कॉलम क्या हो रहा है, इसमें हमें 1x1 करना था, एक रो लेना था तो सारे कॉलम आ जाएंगे और फिर कंट्रोल शिफ्ट हो गया, इसको अपर में करना था, अरे ये तो सरनेम हो गया, सरनेम दिक्कत हो गई, ये सरनेम क्या है आपका 2 में, कंट्रोल से एंटर और अभी सेम फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और इसमें हम P2 की जगह पे वर्क करते हैं और इन कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके करना होगा सर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर एरर को परफॉर्म करता है। अच्छा सर एक सवाल था इसमें, अगर ये तो आपका एक्सेल फॉर्मूला, यहाँ मेरे पास ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे हैं मुझे प्रिंट भी करने हैं लोग, लेकिन वो PDF में है, वो PDF में नहीं, PDF में है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, PDF प्रोटेक्टेड है सर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसमें हम PDF में मतलब वो बॉक्स जाके भर सकते हैं, लेकिन यह कि वो आई मीन फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना उसमें, नहीं फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन VVMI को प्रोग्रामिंग में एक बार मैंने एक प्रोग्राम देखा था या बनाया था याद नहीं है, बनाया होगा सर आपने, फिल कर देता है,
उसके लिए हमने कुछ एडिन सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया था, बहुत पहले की बात है, 10-11 साल पहले की बात है, तो याद कम है, उसमें पीडीएफ का उतना चलन भी नहीं था, शुरुआत ही हुआ था, लेकिन एक बार देखूंगा तो हो जाएगा, लेकिन वीवीएस से होगा, एक्सेल से नहीं। बस मैं यहाँ पे एरे समझा रहा हूँ, एरे का पहला पार्ट आपने सीखा डिस्ट्रीब्यूशन, क्या सीखा? कॉलम का समझ में नहीं आया मेरे को, जो आपने देखिए होता है क्या पता है, सम इसी फॉर्मूला जो हमने लगाया है ना, इसी को मैं सम में लगा देता हूं। तो ये क्या कर रहा है, पहले इसकी प्रोसेस को समझिए कि ये फॉर्मूला कर क्या रहा है, कैसे फॉर्म कैसे कर रहा है। तो फॉर्मूला बार में जाइए, एवलेन फॉर्मूला, और यहां देखिए इसने क्या किया, लूप कर दिया, मतलब कि इसने मिड 5-6 बार अलग अलग मिड लगाया, लगाया ना। अब इसमें जैसे कि आप बोल हम बोल रहे थे आपको कि अगर मैं इसमें 1-2-3 ऐसे लिखूंगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी छोटा किसी कम है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है कि रो फॉर्मूला यूज करते, जैसे मैंने लिख दिया रो 1 से लेकर 10 कर दिया ना। अब मैं इसको कंट्रोल से एंटर मारता हूं, अब इसकी अगले फॉर्मूला देखिए कि रो फॉर्मूले ने क्या किया। रो फॉर्मूला उसी तरीके से 1 से लेकर 10 तक नंबर दे दिया कर्ली ब्रैकेट में, दिखा है? यस सर, 10 तक कर्ली ब्रैकेट में नंबर दे दिया, देखिए 10 तक ही दिया ना। अब मुझे पता नहीं है, तो हमारे दूसरी बात है कि ये तो रो मतलब कि रो वाइज है, तो नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कि अभी ये मैंने ऊपर स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यहाँ पे इक्वल कर दिया कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, तो कॉमा जो है कॉलम वाइज करता है। अगर मैंने सेमी कॉलम कर दिया 6, 7, 8, 9, 10, अब क्या होगा, एंटर मारते ही 2 लाइन में हो जाएगा, हो गया। तो कैसे हुआ कि हमने जो 5 के बाद सेमी कॉलन दे रखा था, जो सेमी कॉलन होता है वो क्या होता है, वो रो के लिए होता है, कॉलन किसके लिए होता है, नंबर्स के लिए होता है, तो कॉलन्स के लिए होता है, और सेमी कॉलन रो के लिए। तो यहाँ पे जो मैं रो का फॉर्मा लगा दिया, तो ये तो आपको देखा ये तो सेमी कॉलन दे दिया ना हमारा, ये तो रो वाइज टूट के आएगा, बट हमें तो कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसका सेमी कॉलन लेते हैं, अगर आपको कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कॉमा लेते हैं। तो कॉमा के लिए हमें यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। कॉलम और कॉलम में मैंने इस तरह से 1 by 1 कर दिया। मैं एवलेट फॉर्मूला करता हूं, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, कि 1 से लेकर 6 तक नहीं तोड़ा, 16,000 समथिंग का नंबर दे दिया। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला एवलेट हुआ वो मिड का फॉर्मूला 16,000 बार लगा, और जिसमें नहीं आया, जिसमें नहीं था फॉर्मूला, उसमें क्या हुआ, वो ब्लैंक दे दिया, क्योंकि मिड फॉर्मूला एरर नहीं देती है। तो ये कॉलन का फॉर्मूला हर जगह यूज नहीं होता है, उस फॉर्मूले में यूज होता है जो फॉर्मूला एरर नहीं देती, जैसे लेफ्ट राइट मिड लेन, समझे? समझाया आपको कॉलम का यूज किया मैंने? Yes, sir. तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमें ये नहीं पता था कि नेम का टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितना है, हमने 16,000 दे दिया कि 16,000 करेक्टर तक का जो नाम होगा वहां तक तो मिट चली जाएगा हमारा, ठीक है। और इसी तरह सर रो का देंगे तो पूरा रो ले लेगा, रो का देंगे तो रो ले लेगा,
और सर इसमें कर्ली ब्रैकेट कॉलम वाले फॉर्मूले में नहीं आएगा, जैसे मिड वाले फॉर्मूले में आपने कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 में दिया था, लगा ना कर्ली ब्रैकेट इसमें बाहर लगा रखा है। हाँ, तो फॉर्मूला में थोड़ा हमें मैनुअली लिखना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, हमें मैनुअली लिखना है, यहाँ लिखना है ना, तो कर्ली ब्रैकेट लगाना। और अदरवाइज बाहर लगा दो तो भी कोई, आपने देखा नहीं जैसे फॉर्मूला चला तो उसने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया ना, लगा दिया ना। हाँ हाँ ओके ओके, पर फिर इसमें दो बार लग गया ना, इसमें बाहर भी लग गया और फिर अंदर भी चल रहा है तो अंदर भी है। नहीं तो इसमें भी हाँ वो दो बार लग गया, वो बाहर लग गया इसका मतलब कि उसने एरे डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसका प्रचालक है, उसका मतलब कि दिखाता है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन, हम एरे का यूज कैलकुलेशन में करते हैं, कैसे दिखाता हूँ। चलिए मेरे पास आपके सामने डेटा है, मुझे क्या करना है कि इन सारे डेटा पे पहले तो इसमें इसमें प्लस 100 करना है सब में इंडिविजुअली, फिर मुझे सबका 25% निकालना। इन सबको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है और फिर इनका मुझे 90% निकालना है और फिर उनका टोटल ऐड करना है। सब लंबा कैलकुलेशन है, आपने बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया ना, और एक साथ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि मैं सबको सम कर दूं और सम करने में इसमें मैं प्लस 100 करूं, क्योंकि मुझे 100 हर एक नंबर में इंडिविजुअली करना है, ऐसी इंडिविजुअली सबका मुझे 25% निकालना है, फिर इंडिविजुअली सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इंडिविजुअली सबका 90% लाना है, देन सम करना है। इसके लिए देखा हमने कितनी लंबी कैलकुलेशन हमने की और कितना बड़ा डेटा लिया हमने, इसको एरे एक सेल में कर सकता है कैसे, देखिए हमने इसको लिया, इसमें प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 25% देन मल्टीप्लाई बाय 3 देन मल्टीप्लाई बाय 9%, रिजल्ट गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बोर्ड मास में था एक इसमें कंट्रोल सिर्फ एंटर प्रेस करो, अभी रिजल्ट गलत आ रहा है क्योंकि हमने बोट मास मेथड को फॉलो नहीं किया। सबसे पहले मैं तो इसको ब्रैकेट में रखूंगा, ठीक है, अब मैं करता हूं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया रिजल्ट। तो जो कैलकुलेशन हमने यहां किया है ना एरे में बैकएंड में वही कैलकुलेशन किया है। देखिए यहां पे सबसे पहले नंबर टूटा, प्लस 100 हुआ, जैसे यहां पे 100 हुआ था ना, फिर उसका 25% निकला, जैसे यहां निकला 27 32, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया, जैसे यहाँ किया गया 82 97, फिर उसका 90% निकाला गया, फिर सबने सम। तो आपने देखा कितनी बड़ी कैलकुलेशन को एक सेल में कर दिया। तो एरे का यूज दो चीजों के लिए होता है, एक रिपीटेड फॉर्मूला कि एक ही फॉर्मूला को एक सीक्वेंस इनपुट के अकॉर्डिंग आपको कई बार लगाना है, जैसे कि हमने मिड का फॉर्मूला, तो वहां पे सीक्वेंस इनपुट करने के लिए हम एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें रो कॉलन और कर्ली ब्रैकेट वगैरह यूज कर सकते हैं। दूसरा कि एक डेटा के ऊपर वन बाय वन कई सारे कैलकुलेशंस करने, तो उसको अलग अलग सेल में ना करके हम एरे में करते हैं। बात समझ में आई आप लोगों के लिए, सॉरी
तो एरे क्या है? कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं, एक फॉर्मूला लगाने का तरीका है, और इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला कम है और 100 फॉर्मूला भी ज्यादा है। सो आप लोग एरे को यूज करें, प्रैक्टिस करें, और मैंने एरे की बुक भी आप लोगों को भेजी थी, उस बुक को अच्छे से स्टडी करें, और हम आपकी 5 क्लासेज एरे के लेंगे। ठीक है, तो 5 क्लासेज हमारी एरे की होगी। चलिए, ओके, गुड नाइट। ओके सर, बाय, गुड नाइट।